So ladies and gentlemen, we are here for the second edition Jammu and Kashmir. Accompanied by our both honorable advisor, Jinaab Farooq Saab and Jinaab Bhatnagar Saab. It is my privilege, Shri Manoj Sinha, to what is perhaps one of the most picturesque and beautiful places in the world for the inauguration of the second edition of Khelo India Games. I would also like to extend a warm welcome to the Honorable Advisors, to the Honorable Lieutenant Governor, Jinaab Farooq Khan Sahab and Jinaab Bhatnagar Sahab, DGDSF, Director General Sai, Directors of the Ministry of Youth Services and Sports, my dear athletes, you are role models for what the country and Jammu Kashmir wants to see in today's heroes. This is your moment in Gulmarg, and over the next 5 days, not just Jammu and Kashmir, but India will be looking to you for inspiration. Kashmiri mein Riju ji ek kahawat hai, yakjet iman shu taqat, ekjutta mein hi taqat hai, aur wo mujhe yahan dikhai pad raha hai. Abhi तो राख ही हुए हैं तेरी आंखों में, अभी तो राख ही हुए हैं तेरी आंखों में, मेरे बिखरने का खेल अभी बाकी है, चंद सांसों में छिपी रूह तक कांप जाए, हमारे इश्क का खेल अभी बाकी है। मित्रों, स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो कम्युनिटी, देश और कॉन्टिनेंट को बदलने की ताकत रखता है। खेल की दुनिया को मैं संभावना और अंतहीन अवसर से भरी दुनिया कहता हूं, और इसका हर पहलू न सिर्फ आपको आश्चर्यचकित करता है बल्कि प्रेरित भी करता है, उत्तेजित भी करता है और अंदर से आपको बदल देता है, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के विंटर स्पोर्ट्स प्रेमियों की निगाहें आप पर हैं। इसलिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 में मैं आज आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आह्वान करना चाहूंगा कि आइए गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों से अपने परफॉर्मेंस के द्वारा शांति, सद्भावना, एकता, मोहब्बत और इम्पावरमेंट का संदेश हम पूरे देश को भेजने का काम यहां से करें। मैं आपको सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत सालों से जो हमारा सपना था कि भारत में भी विंटर गेम्स का आयोजन होना चाहिए और आज दूसरी बार सेकेंड एडिशन आज गुलमर्ग में फिर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब खेलो इंडिया लॉन्च किया था उस समय उन्होंने कहा कि देश भर में भारत के अलग अलग क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में अलग से कार्यक्रम करने का आवश्यकता है और खिलाड़ियों को, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो बाद में उस चीज को हमने ये तय किया कि वो सिर्फ समर गेम्स में ही नहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ बातचीत करके हमने यह फैसला किया कि कश्मीर के अंदर में इतना खूबसूरत जगह गुलमर्ग और भी जगह है, यहाँ क्षमताएं हैं, इस तरह का आयोजन करने का कैपेसिटी है, लोगों में उत्सुकता है, तो खेलो इंडिया गेम्स विंटर गेम्स भी हमको करना चाहिए। इसके तहत हमने आयोजन किया और जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे साथी हैं, यहाँ के अधिकारीगण और यहाँ के पब्लिक सब ने साथ दिया और आज विंटर गेम्स का सेकेंड एडिशन बहुत अच्छी तरह से शुभारंभ किया जा रहा है। लेकिन आपकी गर्मजोशी, आपकी ऊर्जा
हर हिंदुस्तानी महसूस और देख भी रहा है। आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। ये इंटरनेशनल विंटर गेम्स में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनका प्यार है। पहले भी उन्होंने पीएमडीपी में 200 करोड़ से ज्यादा किया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और आज भी 40 हमारे खेलो अभियान के योजना के तहत सेंटर सेंक्शन के साथ और सेंक्शन हुए। जम्मू और श्रीनगर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। एक तो विंटर स्पोर्ट्स को लेकर के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है आप सबको मालूम है। माननीय उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर ने जम्मू गुलमर्ग में किसी भी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई। हम माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएंगे उनसे विशेष अनुमति लेकर के कोशिश करेंगे शीघ्र वो काम हमारे। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल मैसेज दिया यूथ के लिए कि खेलो इंडिया एक ग्रेटफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सबका उत्साहवर्धन किया।